हेलो फ्रेंड्स, दाल बाटी तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन आपने कभी राजस्थान की बहुत ही फेमस डिश खोबा रोटी कभी ट्राई किया है? खोबा रोटी के साथ में मिक्स दाल और गार्लिक की चटनी, प्याज और हरी मिर्च के साथ इसका कॉम्बिनेशन इतना टेस्टी लगता है कि आपको दाल बाटी भी फिक्की लगेगी इसके सामने। और बनाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है, आप इसको झटपट बना के एंजॉय कर सकते हो। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़ा कप मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। नॉर्मल जो रोटी का आटा होता है वही मैंने यूज़ किया है। फिर मैं इसमें डाल दूँगी 5-6 टेबलस्पून मैं यहाँ पे सूजी डाल दूँगी और 1 टेबलस्पून जितनी अजवाइन को हाथों से इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। अजवाइन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और 1 टेबलस्पून जितना हम यहाँ पे कसूरी मेथी का यूज़ करेंगे। अजवाइन और कसूरी मेथी से खोबा रोटी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देंगे और 4-5 टेबलस्पून हमें इसमें मोइन देना है। आप घी ऑयल किसी का भी मोइन दे सकते हो, घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हो और आधा घी और आधा ऑयल भी डाल सकते हो। तो इस तरह से हाथों से हमें इसको अच्छे से मोइन दे देना है। हाथ में ऐसा फोल्ड हो उतना हमें इसमें मोइन देना है। तो मोइन हमने अच्छे से इसमें दे दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एकदम सख्त आटा गूंथना है हमें, एकदम हार्ड डो रेडी करेंगे हमें रेडी करना है। तो इस तरह से एक साथ में पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। और इस तरह से देखिए मैंने कितना एकदम हार्ड डो रेडी कर दिया है। तो अब हम इसको ढक के साइड में रख देंगे 5 मिनट तक। देखिए इस तरह से एकदम हार्ड डो रेडी करना है। तब हम इसको ढक के साइड में रख देंगे और दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो इसको ढक के साइड में रख देना है। तो मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। अब मैं यहाँ पे आधा कप जितनी छिलके वाली मूंग दाल यूज़ कर रही हूँ और आधा कप मैं यहाँ पे मसूर की दाल डाल रही हूँ और आधा कप मैं यहाँ पे तुवर की दाल डाल रही हूँ। तो आपके पास मसूर की दाल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो और दाल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। आपको कितना बनाना है उतने हिसाब से आप इसमें दाल का यूज़ कर सकते हो। तो दाल को 3-4 पानी से वॉश कर लेंगे। फिर इसमें 1.5 ग्लास में इसमें पानी डाल रही हूँ। फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे। देना है हमें हल्के हल्के हाथों से और ध्यान रखना है हाथ जल ना जाए उसका, इसलिए हल्के हाथों से हमें इस तरह से प्रेस करके खोबा रोटी हमें तैयार कर लेनी है। और इस टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है वरना नीचे की साइड से जल जाएगा। तो इसी तरह से हम खोबा रोटी तैयार कर लेंगे। इस तरह दोनों उंगलियों से हमें प्रेस करते जाना है
और ये देखिए हमारी कोबा रोटी रेडी हो गई है। अब दोनों साइड से हमें पलट के अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें इसको सेकना है। दोनों साइड से अंदर से अच्छे से सिक जाए उस तरह से हम इसको सेकेंगे। तो अभी गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करके फिर सेकेंगे। अब डायरेक्ट हम गैस पे इसको सेक लेंगे इस तरह से। तो चारों ओर हम इस तरह से फैलाते जाएंगे और अच्छे से इसको क्रिस्प होने तक हम इसको रोस्ट करेंगे। जल ना जाए उसका ध्यान रखना है। और इसी तरह से हमें खोबा रोटी तैयार करनी है। और ये देखिए कितनी अच्छी हमारी खोबा रोटी बनके रेडी हो गई है। मैं दूसरी भी आपको बना के दिखाती हूँ। तो अच्छे से मैंने दोनों हाथ से इसको प्रेस करके इस तरह से शेप दे दिया है। अब हम दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्प होने तक हम इसको रोस्ट करेंगे। और डायरेक्ट गैस पे इस तरह से हम इसको रोस्ट कर लेंगे। और ये देखिए इसी तरह से हम सारी बना के रोस्ट कर लेंगे खोबा रोटी। अब इसको साइड में रख देते हैं खोबा रोटी को और दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो दाल हमने प्रेशर कुकर में से अच्छे से हमारी दाल बॉईल हो गई है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो मैं इसमें 2 ग्लास पानी का डाल के इसको बना रही हूँ। आपको कितनी थिक और पतली चाहिए उतने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो पानी डाल के। तो इस तरह से अच्छे से मैश कर देंगे दाल को। तो मैं यहाँ पे ब्लेंडर की मदद से नहीं करूँगी क्योंकि मुझे एकदम पतली दाल नहीं चाहिए। मुझे थोड़ा दरदरा दाल का टेस्ट रहे वैसा ही चाहिए। तो मैं विस्कर की मदद से इस तरह से विस्क कर दूँगी। तो इसी तरह से, और आप थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपको कितनी गाढ़ी पतली चाहिए उतने हिसाब से। तो दाल को मैंने साइड में बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब उसके लिए तड़का रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा राई डाल देंगे, थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, 2 ड्राई रेड चिली डाल देंगे, 1 तेज़पत्ता डाल देंगे, और मैंने यहाँ पे 2 ग्रीन चिली, 1 अदरक का टुकड़ा और 5-6 लहसुन की कली को ग्रेट करके डाल दिया है। हल्का सा आधा मिनट जैसा हमें इसको भूनना है। फिर हम इसमें 1 बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। तो प्याज की साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी जितनी भी आपको इसमें डालनी है उस हिसाब से डाल सकते हो। और प्याज को हम हल्का सुनहरी होने तक हमें इसको रोस्ट करना है इस तरह से। प्याज को इसी तरह से हम कुक कर लेंगे। 2 मिनट जैसा हम इसको भूनेंगे तो अच्छा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। और ये देखिए प्याज का हमारा कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा टमाटर बारीक काट के इसमें डाल दिया है। तो टमाटर को भी हम थोड़ी देर ऐसे ही कुक कर लेंगे। फिर अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। तो अभी टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि हमने दाल में भी डाला है। और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें कश्मीरी रेड चिली डाल देंगे और 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला यूज़ किया है। तो अच्छे से हम सारे मसाले को भून लेंगे ताकि मसाला का सारा फ्लेवर इसमें आ जाएगा और मसाले हमारे अच्छे से भून जाएंगे। और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है जब हम मसाले भूनते हैं उस टाइम पे, वरना मसाले सारे हमारे जल जाएंगे। और जब तक कि इसमें से अच्छे से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हमें इस तरह से इसको भूनना है। 1 मिनट जितना ही हम इसको भूनेंगे तो साइड में से ऑयल सेपरेट हो जाएगा। और ये देखिए इसमें से अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया है और ये हमारा तड़का भी बन के रेडी हो गया है। तो मैंने दाल साइड में बॉईल करने के लिए रखी थी, उसमें हम ये तड़का डाल देंगे। तो इस तरह से हमें तड़के को दाल में ट्रांसफ़र कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसमें एक उबाल आ जाए तब तक ही हम इसको बॉईल करेंगे क्योंकि दाल को हमने पहले भी बॉईल किया था। तो अब हम इसको ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा उबाल आ जाए तब तक ही हम इसको बॉईल करेंगे। तो दाल में अच्छा सा एक उबाल आ गया है और दाल भी हमारी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो एक खोबा रोटी हमारी सर्विंग प्लेट में हमने ले ली है। फिर ऊपर से हम घी लगा देंगे। तो ये देसी घी के साथ में बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है।
और कितनी अच्छी हमारी कोबा रोटी बनके रेडी हो गई है, एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनती है। और गार्लिक की चटनी प्याज और हरी मिर्च के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। एक बार से ज़रूर से ट्राई करना कोबा रोटी।